नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार सिंह शिवसर पी एस क्लास पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, उसी क्रम में आपका मैथ का क्लास चल रहा है। मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? परसेंटेज। परसेंटेज के पिछले दो क्लास में मैंने आपको परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया, परसेंटेज क्या होता है इसके बारे में बताया, परसेंटेज को किसी संख्या में या संख्या को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं भी बताया। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चन आगे देखेंगे। उसके पहले हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसको देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जो भिन्न होते हैं फ्रैक्शन 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह का आप 1/20 तक का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। परसेंटेज निकाल के संख्या में 100 का गुणा करेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये भी बताया था कि ये प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन हल करते समय हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आपका वहीं रिवाइज करवा दे रहा हूँ मैं। 1/2 कितना होता है? 50%। 1/3 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। अब देखिए आपको क्या करना है। अब आपको जैसे ही मालूम चला कि 1/3 इतना होता है, यहाँ से कहीं 2/3 दिखा, आपको मालूम चल गया कि 2/3 इसका दूना होगा। 66 सही 2/3%। समझ रहे हैं? 1/4 25% है, 1/4 का दूना कर दीजिए 2/4 यानी 1/2, तो 25 का दूना 50%। 1/5 कितना है? 20%। 1/5 का दूना 2/5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 40%। तो इस तरह से आपका परसेंटेज किसी भी संख्या का आप आसानी से निकाल सकते हैं क्वेश्चन हल करते समय। तो इसको एक दो बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने आपको एक बटे दो से 1/11 तक का यहाँ लिख दिया है, और अगर आपको पूरा डिटेल में देखना होगा तो 1/2 से 1/20 तक परसेंटेज के पहले क्लास में मैंने बताया है आपको, उसको वहां से देख लीजिएगा। ठीक, इसको आप फिर से देखिए। केवल आपको लिखना नहीं है 1/2 = 50, 1/3 आपको पूरा ऐसे हल करिए। 1/2 परसेंटेज में बदलना है, 100 का गुणा 50% हो गया। 1/3 परसेंटेज में बदलना है, 100 का गुणा 3 से भाग दीजिए, 33 सही 1/3। जैसे ही आप दो बार लिख लिए आपको ये कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको बता दिया जाए कि लोअर पीसीएस एग्जाम जब से यूपी SSSC को दे दिया गया है, तब से आप देख रहे हैं कि मैथ का कितना वेटेज है उसमें। तो आपको अगर लोअर पीसीएस जैसे पद के लिए थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मैथ को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। मैथ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप ये भ्रम में मत रखिए कि रिजल्ट आ जाएगा एडमिट प्री का या एडमिट कार्ड आ जाएगा मेंस का, उसके बाद पढ़ेंगे। मैथ का सिलेबस इतना छोटा भी नहीं है कि आप हफ्ते भर 10 दिन में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, एक समय दीजिए उसको, प्रॉपर तरीके से जैसे पढ़ा जाता है उस तरीके से पढ़िए। और एक बार आप पूरा क्लास कंप्लीट कर लिए, एक बार पढ़ लिए, तो दोबारा केवल आप आधा घंटा 20 मिनट रिवाइज करते रहेंगे, आपका कंप्लीट होगा। लेकिन एक बार तो पढ़ना ही होगा, ये मत सोचिए कि बिना पढ़े हो जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं और आप लोगों में से ज़्यादातर लोग लोअर PCS का एग्ज़ाम दे भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर केवल PCS का दे रहे हैं तो लोअर जैसे एग्ज़ाम को छोड़ देंगे, क्योंकि वहीं पद जब लोक सेवा आयोग से आता था तो आप लोग देते थे। अब क्या हो गया, केवल आयोग बदला है, पद नहीं बदला है। जो पद है जैसे मार्केटिंग इंस्पेक्टर ले लीजिए, ठीक, या EO का पद ले लीजिए, पद वहीं है, एग्जाम कराने वाली संस्था बदल गई है, तो आपको उससे मतलब नहीं है। चाहे जिस संस्था को भी दिया जाए उसका जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे मैथ का अच्छा खासा वेटेज है, और जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आया है यही वो अच्छा समय है आपके पास कि आप मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट को मजबूत कर लीजिए। ठीक, क्योंकि आप प्रॉपर अगर PCS की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से तो GS तो आप लोगों का अच्छा होगा ही होगा, साइंस भी अच्छा ही होगा। आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होगी तो मैथ और रीजनिंग में हो सकती है, तो इसको अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि लोअर PCS की वैकेंसी 2020 की पुनः आ सकती है अभी,
कब आएगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आने वाली है। ठीक, तो आप अभी से पढ़ाई करिए। जैसे कि काफ़ी बच्चों को इस बार लग रहा है कि सर मेरा 2 नंबर से प्री नहीं हो पाएगा, 3 से नहीं हो पाएगा, हमारा मैथ का पेपर ख़राब हो गया, किसी का हिंदी का हो गया, किसी का जीएस का, तो अगले एग्ज़ाम में ना हो तो आप लोग प्रॉपर पढ़ाई करिए। अभी से एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसके अनुसार रेगुलर पढ़ाई करिए। ठीक है, तो चलिए ये तो थोड़ा हो गया आपको एग्ज़ाम के बारे में। चलते हैं हम लोग आज के क्लास पे कि परसेंटेज में आज हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इस तरह के क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, तो आप एक एक क्वेश्चन देखते जाइए। आपका क्वेश्चन है कि यदि 1200 रुपये में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो प्राप्त नई संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ से आपको क्या बताना चाहता हूँ आपको ये देखना है। 1200 में क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो आप लोग कहते क्या हैं, इसका 20% निकाले गुणा 20/100, 0 0 कट गया, 12 2 24, यानी कि कितने की वृद्धि हुई, 240। अब 240 की वृद्धि हुई तो 1200 में आप 240 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1440। बिल्कुल सही है तरीका है आपका, 1200 में 20% की वृद्धि होगी तो संख्या कितना आएगा, 1440 ही आएगा। इसका एक और मेथड क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपसे जो पूछा जाए सीधे वहीं पे निकालिए ना। एक बार आपने 20% निकाला, उसके बाद आपने उसको ऐड किया, उसके बाद आपने बताया कि वृद्धि के बाद संख्या क्या हो जा रही है, आप वहाँ मत जाइए। आप सीधे सीधे ये कहिए कि संख्या 100 रही होगी, 20% की अगर वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 100 परसेंटेज में देखिए, एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि ज़्यादातर जगह हम 100 मान के हल करेंगे। क्यों, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना काफ़ी आसान है, जितना परसेंट कहा जाए सीधे वही संख्या ही हो जाएगा 100 का। 100 का 20% 20, 100 का 10% 10, 100 का 5% 5, इसीलिए हम यहाँ एक्स वाई जेड ना मान के क्या मान रहे हैं, 100, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। आप समझिए 100% संख्या ओरिजिनल वाली थी, बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 120। इस 100 का मान दिया है कितना, 1200, और पूछा है वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे, 1200 100 का था तो इसमें हम 100 का भाग दे देंगे तो 1 यूनिट का आ जाएगा, और जितने का पूछा है 120, कितना हो जाएगा, 12 हम 144 देख रहे हैं, 1440 आ गया। तो आपको इस तरह का अप्रोच करना है एग्जाम में, सीधे सीधे जो पूछे उस पर पहुँच जाइए, और संख्या को हमेशा 100 माना करिए। ठीक, तो हम लोग जल्दी जल्दी इस पर 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, आइए देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर प्राप्त नई संख्या 220 है तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तरीका फिर से वही रहेगा, आप जैसे इस तरह का क्वेश्चन आए यहाँ कह दीजिए संख्या 100 रही होगी, वृद्धि कितने की हो रही है, 10%, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 110। पिछले क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक संख्या दिया गया था और पूछा था वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में प्रारंभिक पूछा है, वृद्धि के बाद वाला दिया है, तो आप सीधे 100 110 लिख लीजिए, कोई फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे 110 वाला कितना दिया है, 220, तो ये कितना होगा, बिल्कुल आसान। आप कहेंगे 110 का दुगुना 220 है तो 100 का दुगुना कितना होगा, 200। ये तो हो गया सिंपल सिंपल, आप समझ गए। अगर यही कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता तो क्या कहते आप, 220 किसका मान है, 110 यूनिट का, तो 220 भागा 110 किसका पूछा है, 100 दोबा। ठीक, तो आप इस तरह भी समझ लीजिए, इसको ज़्यादातर लोगों को तो यह समझ में आ रहा होगा कि कैसे किए हैं, लेकिन आप को अगर नहीं समझ में आ रहा तो जो हम लोग चूंकि इसलिए अलग लगाते हैं कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। अगर किसी चीज़ के एक्स यूनिट का दाम मान लीजिए P रुपया है,
हमारा एक यूनिट का क्या हो जाता है, पी बाई एक्स रुपया हो जाता है। इसलिए हम वाई यूनिट का अगर कहें तो क्या हो जाता है, पी इंटू वाई बाई एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा। तो यहीं से निकल के आता है कि जिस वाले का दिया है, 110 वाले का मान 220 दिया है, पी दिया था, जिसका दिया था उससे भाग देंगे और जिस पे निकालना है उससे गुणा करते हैं। वही चीज़ है, 220 दिया था, 110 वाले का 110 से भाग दे के 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है आप, तो चलिए आगे चलते हैं। एक आध क्वेश्चन और देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे। यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर संख्या में 46 की वृद्धि हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या कह दिया, फिर से वहीं आप करिए, संख्या कितनी रही होगी 100, 10 की वृद्धि हो रही है तो यहाँ कितना हो गया 110। अब इस बार आपको न यह संख्या दिया है न यह दिया है, आपको ये वृद्धि वाला दे दिया कि जो 10% की वृद्धि हो रही है उसका मान कितना है 46। तो आपसे प्रारंभिक संख्या भी पूछ सकता था, वृद्धि के बाद वाला भी पूछ सकता था, देख लीजिए कौन सा पूछा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करना है तो हम क्या कहेंगे, 46 10 का मान है तो 10 दहा में 100 का कितना हो जाएगा 460। चाहे आप पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, 46 बटा 10 पे दिया है, 100 पे निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए कितने तक कितने क्वेश्चन देखे, तीन क्वेश्चन देखे, तीनों को एक साथ समझ लीजिए। फिर से क्वेश्चन आपका तीन टाइप का इस तरह से बना, एक संख्या है 100, इसमें मान लीजिए कुछ परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10, 5, 20, 25, कुछ भी। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको 25 ले रहा हूँ। जैसे ही 25 की वृद्धि हुई है कितना हो गया 125। ठीक है, एक डेटा, दो डेटा, तीन डेटा, इन तीनों में से कोई एक दिया रहेगा, तीनों में से कोई भी एक दिया रहेगा और कोई दूसरा पूछ देगा। मान लीजिए इसका मान दिया है, इसका पूछ दिया, इसका दिया है, इसका पूछ दिया, इसका दिया है, इसका पूछ दिया, तो आप आसानी से कह सकते हैं। ठीक है, केवल 100 मानकर, आपको कोई फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है परसेंटेज में। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल, देखिए आसान आसान क्वेश्चन है। अब अभी आप संख्या में वृद्धि को देखें, अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपके सामने बनाने की कोशिश करेगा, किसी वस्तु को ला देगा। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है एक टीबी का मूल्य 1400 रुपये है, 14000 रुपये है, यदि मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो टीबी का नया मूल्य। अब आप देख के परेशान होने लगेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीबी का मूल्य प्रारंभिक अंतिम। आपको कुछ नहीं करना, सीधे 100 पे जाइए। शुरू में कितना दाम था 100, कितने की कमी हुई 20 की कमी हो रही है, तो जब 20 की कमी हुई तो कितना बचा 80। आपके पास तीन डेटा आया, अब देखिए तीनों में से कौन सा दिया है, तो आपको दिया है प्रारंभिक मूल्य 14000 दिया है। तो पूछा है नया मूल्य, नया मूल्य यहाँ पे है, तो आप इसका 20% निकाल के माइनस क्यों करेंगे, आप सीधे जानते हैं कि 20 घटेगा तो 80 बचेगा, तो सीधे क्या कर लीजिए, 14000 इंटू 80 बटा 100। ठीक, 11200। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही देखे कि कोई संख्या है या किसी वस्तु का मूल्य है, उसमें वृद्धि हो रही है चाहे कमी हो रही है परसेंटेज में, तो कितना दाम हो जाएगा, या बाद वाला दाम दिया है पहले का, तो आपको सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है। शुरू में 100, वृद्धि या कमी के बाद यहाँ लिख लीजिए, जिसको दिया है उसको लिख लीजिए, जो पूछा है वहाँ निकाल लीजिए। ठीक, समझ में आ रहा आप लोग को। चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आज के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए,
आपको कुछ चीज बता दो, कुछ चीज का मान हमेशा 100% होता है। जैसे मैं कहूं कि ये मार्कर 20 रुपये का है, तो 20 रुपया अपने 20 रुपये का कितना है, 100% होता है। कोई भी चीज, कोई भी मूल्य अपने का कितना माना जाता है, 100%। क्यों? यक्स को आप यक्स के सापेक्ष ही परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए, 100 ही आएगा। मैंने कल आपको बताया था फार्मूला, यक्स वाई का कितना परसेंट है, तो आपको बताया था यक्स बटा वाई इंटू 100। तो जब किसी भी संख्या को उसी संख्या के सापेक्ष पूछेगा तो 100 होगा। तो कोई भी संख्या अपने का कितना होता है, 100%। एक चीज़ ये बताना था आपको, और दूसरा चीज़ ये बताना था कि जब 100 में से कुछ खर्च हो गया तो बाकी जो बचा सीधे सीधे दूसरे हिस्से को ही जाएगा, ठीक। दूसरे हिस्से का कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं कह दूं कि एक क्लास है, यहाँ 40% क्या है, बॉय। जैसे ही आपके पास एक डेटा आया, आपको तुरंत मालूम है कि पूरा क्लास अपने आप में कितना होगा, 100%। जब 40% बॉय हैं तो कितने होंगे, 60% क्या होंगी, गर्ल। समझ रहे हैं? आपको दे दिया किसी गांव की जनसंख्या, उसमें भी कह दिया महिला पुरुष, मेल फीमेल मान लीजिए, है ठीक। अगर आपसे कह दिया जाए कि मेल 52% है, तो सीधी सीधी बात है, सीधे फीमेल पे आप पहुंच जाएंगे कितना, 48%। अभी आपसे मैं कह दूं कि एक गांव है, वहां साक्षर व्यक्ति 45% है। जैसे ही आपको दे दिया साक्षर 45 है, आपको मालूम चल गया कि जो निरक्षर है, यानी कि जिन जो साक्षर नहीं है समझिए, वो कितने होंगे, 55। कहाँ से आ रहा है सब, 100 में से घटा के। आपको डेटा केवल एक का देगा, दूसरे का आपको निकाल लेना है अपने आप, कहाँ से 100 माइनस कर दे, 100 में से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं आज। देखिए, हाँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। एक विद्यालय है, उसमें गर्ल कितना है, 70%। अब आपके मन में इतना क्वेश्चन देखते ही ख्याल आ जाना चाहिए कि जब गर्ल 70 हैं तो बॉय कितने होंगे, 30 होंगे बस। और इस 30 का मान दिया है कि लड़कों की कुल संख्या 510 है, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो आपका कुल कितना था, 100। अब यहां से 2 क्वेश्चन बना सकता था, बॉय का परसेंटेज आपने निकाला, बॉय की संख्या उसने दिया था, और गर्ल की भी संख्या पूछ सकता था, टोटल भी पूछ सकता था। आपसे क्या पूछा है, आपसे टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो आपको मैंने क्या बताया था, 510 लिख लीजिए, इधर लिखिए, उधर दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, 510 लिखिए। कितने पे दिया है माने, 510 30 पे, कितने पे पूछा है, 100 पे, 0 से 0, 3 से 3 अंक, 3 3 से 23, कितना आ गया, 1700। मान लीजिए आपसे अभी बॉय का संख्या दिया था, गर्ल का पूछ लेता, तो आप क्या कहते, 510 दिया है, कितने पर, 30 पर, निकालना कितना है, 70 पे, 0 से 0, 3 से 17, 0 9 11, ठीक है। तय हो गया आपका सॉल्व करने का तरीका। आपको मालूम रहना चाहिए कि टोटल क्या होता है, 100% होता है, एक का परसेंटेज में देगा, एक का संख्या में देगा। आपका काम रहेगा कि जो परसेंटेज में यहाँ से दिया है उसको 100 से माइनस करके इसको भी परसेंटेज में निकाल लीजिए, यहाँ से 1% का मान निकल जाएगा, फिर 100 और 70 का। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने का 2 तरीका था, एक आपको इस तरीके से हल किया कि 510/30 × 100, 510/30 × 70। एक तरीका और क्या था आपके पास, मान लीजिए इतना दिया था,
हम इसको एक यूनिट मान लिए, परसेंटेज को एक यूनिट, और कह दिया कि 30 यूनिट का मान कितना है 510, तो 0 से 0 कटेगा और 3 का भाग देंगे तो एक यूनिट का मान 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, कितना आ गया 17। तो जैसे ही एक यूनिट का मान 17 आया तो 100 का मान क्या आ गया 1700, और इनका कितना आ गया 17 × 70, तो कितना आया था आपका, कितना आया था देख लीजिए फिर से, 7 × 49 = 7 × 7 = 4 = 11, 1190। ठीक, तो ये होगा आपका करने का तरीका। तो आइए एक क्वेश्चन और इसी पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है, कितना खर्च कर रहा है 66 सही 2/3, और वह प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, तो उसका व्यय प्रति माह कितना है। क्वेश्चन समझिए, एक व्यक्ति है मान लीजिए, उसका टोटल आय क्या रहा होगा 100, अब जो आय है उसी में से या तो खर्च करेगा या तो बचत होगी, वो खर्च चाहे करे चाहे बचत उसी आय में से ही तो होगा। ठीक, अब यहाँ दिया है कि आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है। अब आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि जब 100 में से 66 सही 2/3 खर्च कर दिया तो उसका बचा कितना, आप कहेंगे 33 सही 1/3, 100 में से इसको माइनस कर लीजिए। ठीक, आपका क्या बचेगा 33 सही 1/3%। अब आइए आगे, अब कह रहा है यदि प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, इस बचत को क्या दिया है 1200, यदि प्रति माह 1200 बचाता है तो उसका व्यय, व्यय व्यय किसको कहते हैं, खर्च को ही व्यय बोलते हैं, बचत दिया है व्यय को पूछा है, चाहे बचत दिया है आय को पूछ सकता था, कुछ भी पूछता, जो पूछता आप निकाल लेते। तो जब 33 सही 1/3 का मान 1200 है तो इसका डबल है 33 × 66 सही 2/3, तो उसका व्यय कितना होगा 2400 होगा, समझ में आ रहा है। और वहीं आपका आय पूछ देता तो 2400 और 1200 मिल के कितना हो जाता 3600 आय हो जाता। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक हिस्से को परसेंटेज में देगा, दूसरे को क्या देगा संख्या में, यहाँ से आपको 100 माइनस करके इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, आइए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, कर का भुगतान किया, कर न देने वाले शेष कर्मचारी, तो हम इसको यहाँ यस व नो में लिख दे रहे हैं, जो कर दे रहे हैं उनको यस में लिख दिया मैंने कि 31% कर देते हैं, जब 31 कर देते हैं तो आप कहेंगे 100 में से 31 घटा दीजिए 69 बचा जो कर नहीं देते हैं, इन्हीं का मान क्या दिया है 20700, 20700 कर नहीं देते हैं, तो पूछा है कुल कर्मचारी कितने रहेंगे, तो आप कहेंगे 69 यूनिट का मान इतना है, तो एक का क्या आ जाएगा 69 से भाग दीजिए 6 × 3 = 18 9 × 3 = 27, यहाँ 3 बार कटेगा और 2 0 बचेगा तो 300 हो गया, 1% 300 हो गया, तो 100% क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 30,000। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है।